तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, आफियत से होंगे। दोस्त आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल के अबाउट में किसी भी सोशल मीडिया का लिंक ऐड किस तरह से करेंगे, यानी किस तरह से डालेंगे। जैसा कि अभी आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए और मेरे अबाउट में आप जाइए, तो वहां पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मिलेगा और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में रابطہ करना चाहते हैं या मेरे फेसबुक पेज के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से आ सकते हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट में डालने से आपको ये फायदा होगा कि अगर कोई भी नए व्यूवर्स आपके वीडियो के अंदर आएंगे, आपके चैनल के अंदर आएंगे और आपका वीडियो देखेगा, अगर आपका वीडियो उनको पसंद आ जाएगा तो वो अगर आपको रابطہ करना चाहे या आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहे या वो जो है तलाश करे कि आपके फेसबुक पेज का अकाउंट क्या है और इंस्टाग्राम में आपका आईडी क्या है, तो वो जो है ना उनको पता नहीं रहता है, तो वो क्या करेगा आपके चैनल के अबाउट में आएगा। वहां पे आने के बाद में आपका चैनल का अबाउट वो चेक करेगा, तो वहां पे अगर आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक या जो है फेसबुक पेज का लिंक या किसी भी चीज का अगर आप लिंक वहां पे डाल देते हैं तो वो बंदा जो है आसानी से आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के अंदर आ सकता है और आपको वहां पे भी फॉलो कर सकता है। तो दोस्त अगर आप किसी भी सोशल मीडिया का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट में डालने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसलिए कि आपको इस चैनल पर यूट्यूब से ही रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्त किसी भी सोशल मीडिया का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट में डालने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में सर्च टाइपिंग में आप लिखेंगे youtube.com, ये लिखने के बाद में आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो सर्च करने के बाद में देखिए सबसे ऊपर में 3 डॉट है, हो सकता है कि आपके मोबाइल में तीर जैसा ऑप्शन बना हुआ हो, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, ठीक है, तो आप एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब देखिए आपके सामने में इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद में सबसे ऊपर में राइट साइड में देखिए आपके चैनल का लोगो दिख जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज चैनल, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब जो है आपके सामने में देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके सामने में आ रहा है। तो देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेसिक इन्फो, तो आप एक बार इसी पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे में यहाँ पर देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल रखा हूँ और फेसबुक पेज का लिंक डाल रखा हूँ। तो आप भी लिंक डालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड लिंक, तो आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है कि आप किस चीज़ का लिंक डालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज इस तरह से नाम लिख रखा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिंक नहीं डालना है बल्कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि नाम लिखना है, ठीक है, जिस चीज़ का भी आप लिंक डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद में आपको क्या करना है कि अगर आप इंस्टाग्राम का लिंक या फेसबुक पेज का लिंक या किसी भी चीज़ का लिंक डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लिंक कॉपी करने नहीं आता है इंस्टाग्राम आईडी का और फेसबुक पेज का, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख करके सीख जाइए, ठीक है। सीखने के बाद में उसका लिंक कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे ऊपर में यहाँ पर कोने पर आपको यहाँ पर देखिए पब्लिश का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में पब्लिश का ऑप्शन है, तो आप इस पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर जो है सोशल मीडिया का लिंक आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट में सेट हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी सोशल मीडिया का लिंक अपने YouTube चैनल के अबाउट में डाल सकते हैं। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।